हमारी वैष्णव साधना में विरक्त परंपरा में जब दीक्षा दी जाती है उसके बाद चरणामृत पिलाया जाता है, भगवत चरणामृत, फिर सदगुरु चरणामृत पिलाया जाता है, गुरु जी के पांव का दाहिने अंगूठा धोकर और शिष्य लोगों को प्रसाद दिया जाता है। और माफ करना, उसमें जो मंत्र बोला जाता है वो ये है, अकाल मृत्यु हरणम, बोलो आगे का नहीं बोलना, माई बाप मरणम है। विरक्त की दीक्षा लेने के बाद आप अपने सारे संबंधों से मुक्त हो जाते हो, फिर आप नहीं कहोगे अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते श्री राम पादोदकम पित्वा रामम भंक्तिम प्रकल्पते, नहीं कर सकते हो। विरक्त हुए अर्थात आपका रक्त और गोत्र सब बदल गया। हमारे श्रीवध में आज भी साधु संत महापुरुष जो भगवत भागवत भाव के भगवत भक्त हैं उनके परिवारी जन आते हैं तो उनके आश्रम में नहीं रुकते हैं, चाहे जहां रुकते हैं। लेकिन आज भी जो गृहस्थ भाव के लोग हैं वो अपने परिवार को अपने पास ही रोकते हैं। कौन है? भतीजा है, भाई है, फूफा है, काका है, जीजा के साले के साडू के भाई के दामाद ही कौन है? यदि आप विरक्त हो गए तो इससे विरक्त होना होगा। विरक्त माने विरत, विभीषण तो लपटवैनवा खर बन के पहुंचे, नाथ दसानन करमे तभी भगवान ने तिलक पहले कर दिया। और कुशल कैसे पूछा? बड़ा बड़ा होता है सदगुरु सदगुरु, शिष्य शिष्य, और प्रभु तो प्रभु है रह। भगवान ने कुशल भी कैसे पूछे? कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार दास तुम्हारा बरु बलबास नरक करता था दुष्ट संग जन दे। आप चलतर करो। विभीषण जी को जब श्री हनुमान जी महाराज ने संबंध दे दिया था तो रावण का स्मरण नहीं करना चाहिए। भगवान समझ गए आ भले गए हैं लेकिन अभी चित्त में लालसा वही बैठी है, इसके पीछे कारण है। रावण की कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री हैं भक्तराज विभीषण। रावण अपने भाइयों को बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। अच्छा विचार करिए, प्रेम न करता तो विभीषण जी लंका में राम मंदिर बनवा के भजन करते क्या? भवन ये कपुनी हरि मंदिर बना रामायुधयंकित गृह शोभा धरणी नजा नव तुलसिका वृंदतः देहि हरस कबीरा। कभी भी कोई भी तामसी व्यक्ति हो, राजस तो फिर भी ठीक है, उत्पाती व्यक्ति हो, अपना संबंध उससे जोड़कर कदापि परिचय नहीं देना चाहिए। कई लोगों से मैंने सुना है कहते हैं हमारे हर तरह के लोग साथी हैं। कौन? गोली वाले, बंदूक वाले, बम वाले, स्टेनगन वाले, तो आप क्या हैं? हर तरह के लोग अपने न हो, सेक्ट अलग है, विभाग अलग है, व्यवहार अलग है। और परिणाम आया, भगवान ने सब जानते हुए भी
नव संबंधों में जहाँ प्रेम तंतु बिखरे रहते हैं उनको समेट कर मेरे चरण में जो उपस्थित हो जाता है, करूं सद्य ते ही साधु तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरूं देह नहीं आन। आप संत हैं, क्यों संत हैं? युद्ध नीति सरल नहीं है, सेना के बल पर जो युद्ध नहीं जीता जाता उसके लिए आचार्य चाणक्य ने और सैन्य विभाग के जानकार लोगों की अपनी ये गति मति की है कि जो हम अपने हथियार से सैनिकों से युद्ध नहीं जीत सकते हैं उसको हम भेद नीति से जीतने का प्रयास करें, कैसे भी। भगवान जान गए यदि रावण का शत्रु का ये अनुज है और आ ही गए हैं तो इनको, यद्यपि सुग्रीव जी एकदम पक्ष में नहीं है विभीषण जी की शरणागति के, परंतु नीत निधान परमात्मा श्री राम भागवत भाव से समझ लीजिए अथवा नीतिगत समझ लीजिए, उन्होंने लक्ष्मण जी महाराज के प्रति कहा, आप चिंता करिए नहीं, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण है नहीं, बल लगेगा, बल झपकाते लक्ष्मण जी सबको मार देंगे। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, जो हम करेंगे प्रभु तब प्रताप बल नाथ, आपके भरोसे करेंगे। तो भगवान ने नीति का रक्षण किया, यह नीत जीवन के लिए पाथेय है। इस कथा से शरणागति भाव का स्मरण रखें और नीत को जीवन में यथाशक्य यथा योग्य प्रयोग करने का अभ्यास करें। हाँ, मेरे राम जी का सिद्धांत है, जीवन में कभी अनीति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। प्रभु ने स्पष्ट कहा, जो अनीति कछु भाखौं भाई तो मुहि बरजहु भय बिसराई। मैं आपको अपना जान के कह रहा हूं, अनीत बोलो तो भय मुक्त करता हूं, आप मना करिएगा तो मुहि बरजहु बरजिएगा। इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनों को, अपनी कैबिनेट को, अपने मित्रों को, अपनी प्रेमियों को, कि आपके हित की जो बात हो उसको ठीक से कहा जा सके। स्मरण रहेगा।